नमस्कार दोस्तों, अमित टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल कर रहे हैं और उसमें आप अपना इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल चेंज करना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल चेंज करना चाहते हैं, तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जो है जब पिछले साल जो है स्कॉलरशिप ऑनलाइन करवाई थी, तब उन्होंने जो इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, उसकी जो है वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन जब वो लोग दोबारा से रिन्यूअल कर रहे हैं, तो उसमें जो है ये डिटेल चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगर आपकी जो है एक्सपायर हो चुकी है और आपने पर साल लगा दिया था, तो आप परेशान मत होइए, आपकी उसी आधार पर जो है दोबारा से स्कॉलरशिप इशू कर दी जाए। लोग इस बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो कि नहीं, जब हमने पर साल लगाई थी तब स्कॉलरशिप आया था, लेकिन जो है हमारी इस बार जो है एक्सपायर हो चुकी, तो हो सकता है स्कॉलरशिप ना आए। दोस्तों, चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये पूरी तरह से मान्य है और आपका स्कॉलरशिप आएगा। अगर दोस्तों ऐसा कुछ होता तो उसमें जो है चेंज करने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन देते, लेकिन उस फॉर्म में जो है चेंज करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसमें सिर्फ यही आप अपनी एडमिशन डेट वगैरह बदल सकते हैं, बाकी आपको इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल चेंज करने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल चेंज करने के लिए कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपकी जो भी डिटेल है वो सही है, आपकी जो भी पिछले बार डिटेल पड़ी हुई उसी डिटेल के आधार पे आपकी छात्रवृत्ति जारी कर दी जाएगी। आप जो है अपने मन से डाउट बिल्कुल हटा दें कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर स्कॉलरशिप से संबंधित आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।